आलवाड़ा ग्राम के किसान की बेटी ने 92.60% अंक हासिल कर सायला ब्लॉक में रही टॉप। पारस के शिक्षा विभाग में जाने का है सपना। सायला से चौपाराम सुतार के साथ ब्यूरो से सुखदेव सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। हालात कैसे भी हो, मेहनत व लगन से कार्य करने पर सफलता कदम चूमती है, इस बात को साबित किया है। सायला सत्र के आलवाड़ा गांव में रहने वाले किसान बगराम चौधरी की पुत्री पाश कुमारी ने, जिसने 12वीं कला वर्ग में 92.60% अंक प्राप्त कर सायला ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह अध्ययन करने के साथ साथ रविवार व अन्य अवकाश के समय माता पिता के साथ कृषि कार्य में हाथ बटोरती थी। राजेंद्र गुरु पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवाणा में पढ़ने वाले पाश कुमारी चौधरी के परिवार कृषि कार्य करते हैं। छात्र पाश कुमारी बताती हैं कि वह विद्यालय में लौटने के बाद नियमित 3 से 4 घंटे तक पढ़ती थी। वह सफलता का श्रेय परिजनों व शिक्षकों को देती है। शिक्षा विभाग में जाने की चाह रखने वाली पाश कुमारी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में जुटी है। पाश कुमारी के पिता बागाराम चौधरी ने बताया कि मंगलवार को परिणाम जारी होने के पहले वो खेत में मिर्ची के पौधे रोप रही थी। तब मेरे पास प्रधानाचार्य डूंगर सिंह का कॉल आया और कहा कि आपकी डाडली पाश कुमारी ने सायला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही सातरा पाश कुमारी ने 92.60 अंक हासिल करने के बाद बुधवार को आलवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच बीखी देवी, प्रधानाचार्य डूंगर सिंह, मैंगलवा व्याख्याता अरविंद बाजक, रामाराम चौधरी, चावलराम चौधरी, दूधाराम घेवराम, नरपतपुरी समेत कई जनों ने पाश कुमारी के घर जाकर मिठाइयाँ खिलाई और बधाइयाँ दी। मुझे मेरे घर में माता पिता और स्कूल में मेरे अध्यापकों के सहयोग से मैंने पढ़ाई की है और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मेरे घर में बिजली कटौती की समस्या होने के बावजूद भी मैंने अपनी पढ़ाई में निरंतर जारी रही और कितनी भी विषम परिस्थितियां आने के बावजूद भी मैंने घर पर रह करके टॉर्च से पढ़ाई की और रात में देर रात तक पढ़ती थी। मैं आगे पढ़ाई जारी रखूंगी और शिक्षक बनने की उम्मीद है वो अवश्य पूरी करूँगी। 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट आया है, उसमें हमारे राजेंद्र गुरु उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवाणा की बालिका पारस कुमारी, जिसने 92.60% अंक हासिल करके जीवाणा में ही नहीं अपितु पूरे सायला ब्लॉक में अपना स्थान हासिल किया है, यानी कि पूरे सायला ब्लॉक में फर्स्ट आई है ये बालिका। तो पहले तो मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उसके अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई। इस बालिका ने मतलब विषम परिस्थितियों में जूझते हुए, यानी कि मैं आपको बता दूं, घर में लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, सिर्फ बेरे वाली लाइट आती थी 6 घंटे, उसके अलावा देर रात तक टॉर्च के सहारे ये बालिका पढ़ती थी, कठिन मेहनत करती थी। और विद्यालय में भी देखा जाए तो इस बालिका ने बहुत अच्छा प्रयास किया और एकदम अनुशासित तरीके से इस बच्ची ने पढ़ाई की और अपना नाम रोशन किया।